नमस्कार, हिंदू उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। बीआरएसपी के संस्थापक एडवोकेट सुरेश माने के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिम नागपुर के सभी पदाधिकारियों की ओर से तीव्र आंदोलन किया गया। नागपुर महानगर पालिका द्वारा 30 वर्ष पूर्व पारित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक बनाने व अंबाझरी बगीचे में तोड़े गए सभागृह को बनाने एवं मुंबई महानगर पालिका की तर्ज पर नागपुर में भी 600 स्क्वायर फीट के बांधकाम मकान पर टैक्स माफ करने की मांग को लेकर उपराजधानी नागपुर के गिट्टी खदान चौक पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से तीव्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीआरएसपी पश्चिम नागपुर इकाई के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर पार्टी की ओर से हस्ताक्षर मुहिम भी चलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का सहभाग भी मिला। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक एडवोकेट सुरेश माने के नेतृत्व में चल रहे धरना प्रदर्शन में पार्टी के नागपुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगारी ने हिंदू उजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बहुजन हिताय की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी के विगत वर्षों में कई नगर सेवक चुनकर भी आए, परंतु उन्होंने कभी इन विषयों की ओर ध्यान नहीं दिया। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एडवोकेट सुरेश माने सर के नेतृत्व में नागपुर के विविध समस्याओं को लेकर धरना आंदोलन किया जा रहा है। और आज का हम ये पहला धरना आंदोलन नहीं है, लगातार हम 6-7 महीने से धरना आंदोलन कर रहे हैं नागपुर की विविध समस्याओं को लेकर, उसकी एक कड़ी करके ये हम गिट्टी खदान प्रभाग में यहाँ पर आज धरना आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है नागपुर की विविध समस्याओं को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो स्मारक था, जन्म शताब्दी स्मारक, जो नागपुर महानगर पालिका ने 30 साल पहले घोषित किया था मगर अब तक उन्होंने बनाया नहीं, जिस संविधान की हम दुहाई देते हैं, 75 साल अमृत महोत्सव मनाते हैं, संविधान दिन अभी 26 नवंबर को आने वाला है, और जिस संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी नागपुर महानगर पालिका की तरफ से घोर अपमान हो रहा है, उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए हम ये सभी जनता के सामने हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो ढोंगी कांग्रेस, भाजपा और इतर पार्टियां हैं जो केवल सत्ता भोगती है, और नागपुर महानगर पालिका में इन सभी की सत्ता हुई है और इन्होंने कभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक को कभी प्राथमिकता नहीं दी। इतना ही नहीं, खैर छोड़िए, तो विरोधी पक्ष के मनुवादी पार्टियां है, मगर हमारी जो पार्टी है, जो फुले शाह आम्बेडकर की पार्टी बोली जाती है, बहुजन समाज पार्टी, जो नागपुर के महानगर पालिका में पिछले 10-15 साल से सत्ता में है, वहाँ पे अपने नगर सेवक रखते हैं, फिर भी उन्होंने कभी इस जो मुद्दा है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म शताब्दी स्मारक, यह कभी उन्होंने पहल में नहीं लिया, इसका हमें बहुत खेद है, दुख है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के नागपुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगारी ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी चैन से नहीं बैठेंगी एवं आगे भी पार्टी की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के नागपुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगारी ने नागपुर शहर की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि बीआरएसपी सत्ता में आती है तो सबसे पहले पार्टी द्वारा की गई मांगों को पूरा किया जाएगा। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब के नेतृत्व में हम लगातार धरना आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक जब तक ये होता नहीं, तब तक के हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, और हम आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी अगर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता नागपुर महानगर पालिका में आती है तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म शताब्दी स्मारक है वो पहले करेंगे, ये हम सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा जो मुंबई में 600 स्क्वायर फीट का जो मकान है, इसको कर मुक्त किया गया है, उसी धरती पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी नागपुर में भी इस मुद्दे को लेकर बार बार धरना आंदोलन कर रही है। नागपुर महानगर पालिका में डेपुटेशन दिए, निवेदन दिए कि नागपुर में भी जो 600 स्क्वायर फीट के घर है वो कर मुक्त, टैक्स मुक्त हुए, और इसी प्रकार बाकी भी समस्या है, मगर इस दो प्रमुख जो मुद्दे हैं इसको लेकर हम धरना आंदोलन कर रहे हैं, निदर्शन कर रहे हैं, और अभी हम स्वाक्षर मुहिम भी ले रहे हैं। ये दो मुद्दे पर हम स्वाक्षर मुहिम का हमारा टारगेट है, पूरे नागपुर में 5 लाख के ऊपर हम स्वाक्षर मुहिम लेंगे,
और हम इस नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन और शासन को सुस्त बैठने नहीं देंगे और बाबा साहब का स्मारक हम करके रहेंगे। नागपुर के गिट्टी गजान चौक पर बीआरएसपी द्वारा किए गए धरना आंदोलन में गोरेवाड़ा वार्ड अध्यक्ष युवराज सिंगाड़े, कमल किशोर, अशोक चौरपगार, मिलिंद झोड़ावने, पांडुरंग फक्काईड़े, पृथ्वीराज चौहान, अशोक बागड़े, आर आर मून, सुभाष मेश्राम, मनोहर खड़से, आदेश मेंडे, पुरुषोत्तम सोमकुवर, रामकृष्ण घरसे सहित सभी सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी अरे फूले के सम्मान में, अरे शाहू के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, अरे फूले के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, अरे शाहू के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, बाबा के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी विजय सो विजय सो, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा विजय सो विजय सो।